नमस्कार। सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार। और इस ट्रेंड के पीछे कौन है, इसे समझने के लिए आपको सिर्फ कुछ बातों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले, रविवार की सुबह 10:38 पर यह ट्रेंड अचानक ट्विटर पर उछाल खाता है। यही नहीं, दिल्ली में सबसे ज्यादा इसको लेकर रीट्वीट्स होते हैं, इसकी चर्चा होती है। और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, यानी कि स्पष्ट है कि इस ट्रेंड के पीछे, यानी कि मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार, इसके पीछे कोई ताकत शामिल है। मैं आज ये दावे से कह रहा हूं कि इसके पीछे दो ही शख्स हो सकते हैं। पहला अंधभक्त, दूसरा कथित तौर पर अलेजेडली बीजेपी का आईटी सेल। कितने नफरत से सने हुए हैं कि देश की जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसके संपूर्ण बहिष्कार की बात कर रहे हो तुम। आज तुम्हें एक मां संदेश दे रही है, वो मां जिसका अपना बेटा नफरत की बलि चढ़ गया। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र और हम बात कर रहे हैं उस मां की, कमलेश तिवारी की मां, कुसुम तिवारी की, वो मां जिसने अपने बेटे को गवा दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। 2015 में आजम खान ये शख्स विवादास्पद बयान देता है आरएसएस के नेताओं पर कि आरएसएस के नेता समलैंगिक हैं। उसके बाद कमलेश तिवारी पैगंबर साहब पर एक निहायत ही विवादास्पद बयान देता है। कमलेश तिवारी को जेल में डाल दिया जाता है, जेल से वो रिहा होता है। उस वक्त की अखिलेश सरकार उसे सुरक्षा भी देती है, मगर जैसी अखिलेश सरकार हटती है उसकी सुरक्षा कुछ दिनों में कम की जाने लगती है। नतीजा, कुछ दिनों बाद उसे गोली मार दी जाती है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस वक्त जब इसने पैगंबर साहब के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की थी, तब मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे जान से मारने की धमकी दी थी। अब पुलिस का दावा है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे अंजाम दिया है। मगर बहुत ही अजीब और गरीब बात है कि मां को सरकार की इस थ्योरी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि एक मां जिसने अपने बेटे को गवा दिया, वो समाज को क्या संदेश दे रही है। उन्होंने एक चैनल के एंकर को रुस्वा करते हुए, उसे नंगा करते हुए, उसे एक्सपोज करते हुए क्या कहा, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो मां कहती है, मैं नहीं तुम हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करते हो, तुम में हिम्मत सिर्फ मेरे जैसे आम इंसानों से सवाल करने की है। तुम अगर सरकार से सवाल पूछोगे तो तुम्हारा चैनल बंद कर दिया जाएगा। ये मां जो है ना, वो योगी सरकार को भी कटघरे में रखती है। आप जानते हैं कि 13वीं से पहले अक्सर परिवार घर से बाहर नहीं निकलता, किसी की मौत हो जाती है, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार को अपने दफ्तर बुलाया इस तरह से। और उस माँ ने क्या कहा इस मुद्दे पर, आप सुनिए। हम लोगन के समाज में 13 दिन कहूँ निकला नहीं जात, लेकिन उनका आदेश रहा, इतने पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े रहे कि चलो तुमका बुलाए हैं तो हमका जाना पड़ा। आप प्रमुख रूप से क्या कहना चाहेंगे मिलने के बाद, अगर उन्होंने संतुष्ट नहीं कर पाया आपको, क्या कहेंगे? हमारी इच्छा के मुताबिक ना उनका हाव रहा ना भाव। हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं दोस्तों? हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जब बुलंदशहर हिंसा में सुबोध कुमार सिंह, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी, तब इनके परिवार को नोएडा से लखनऊ बुलाया गया था। यह नहीं कि मुख्यमंत्री महोदय वहां आ सकते थे उनसे मिलने, ऐसा नहीं हुआ। फिर याद कीजिए इस शख्स को, एप्पल का एग्जीक्यूटिव विवेक तिवारी, पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया, इसके परिवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दफ्तर में बुलाया। उनकी बेटियों को देखिए, यहां वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ इनसे मिलने उनके घर क्यों नहीं जा सकते थे? मगर हम बात कर रहे हैं एक मां की, हम बात कर रहे हैं वो मां किस तरह से हमारे समाज को संदेश दे रही है। और एक बहुत ही अजीब और गरीब मामला है जिसमें परिवार को जांच एजेंसीज पर एतबार नहीं, सरकार पर एतबार नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद बेटे ने, जिनका नाम सत्यम तिवारी है, उन्होंने क्या कहा। हमको नहीं पता कि वहाँ पे वो जिन्होंने मर्डर किया है मेरे पापा का, वही हैं या कोई और साजिश के तहत दूसरों बेकसूरों को फंसाया जा रहा है। अगर हाँ वही हैं, इनके पास वीडियोग्राफी है तो वीडियोग्राफी मिला के उसको फेस मिलाएं, जो एजेंसी के लिए हम लोगों ने कंप्लेन की थी कि हाँ वो वाली जाँच कराइए,
NIA वाली, तो वो अगर वो करवा रहे हैं, अगर उसके उसके द्वारा साबित हो रहा है तो हाँ वही है, बाकी हमको प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है कोई। अचानक सिक्योरिटी गायब हो गई, ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो हमें बता रही है वही हकीकत होगी, मगर पुलिस की भी बात करें तो उसने 24 घंटे में ही अपने तेवर बदल लिए। सुनिए उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह ने पहले क्या कहा और उसके बाद उन्होंने क्या कहा। पहले पुलिस का कहना था कि यह मामला आपसी रंजिश के चलते हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं वो इस बयान में। उन्होंने हिंदू समाज पार्टी को फाउंड किया, उसकी स्थापना की, जो आरोपी थे वो उन्हें जानते थे, वो उनके लिए मिठाई लाए थे, करीब आधा घंटे तक उनसे बात हुई और हमारे पास कुछ अहम सुराग मिले हैं जिसकी हम जांच कर रहे हैं। यह बयान उनका पहले आया, मगर कुछ ही देर बाद यह बयान पलट गया। क्या कह रहे हैं ओपी सिंह साहब, सुनिए। अब ओपी सिंह साहब कह रहे हैं प्राइम एफएसी दिस वाज अ रेडिकल किलिंग, यानी कि कट्टरपंथियों ने इसे अंजाम दिया। वो लोग जिनमें कमलेश तिवारी के 2015 में दिए गए बयान से बेहद नाराजगी थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि कमलेश तिवारी पर हकीकत सामने आएगी, क्योंकि यह हत्या एक ऐसे वक्त आई है जब दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जब अयोध्या मंदिर पर फैसला आना है। यही नहीं, ट्विटर पर एक बहुत ही अजीबोगरीब ट्रेंड चलाया जाता है कि मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार करें। यह तमाम बातें मानो एक कड़ी से जुड़ रही हैं और आप इसे सिरे से इनकार नहीं कर सकते। आखिर यह नफरत का कारोबार कब खत्म होगा? और इस मां का संदेश न सिर्फ मीडिया के लिए है बल्कि सत्ताधारी पार्टी के लिए भी। आपके स्क्रीन पर इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, गजराज राणा जो कि बीजेपी की यूपी के नेता हैं और बख्शी सिंह वर्क जो कि MLA हैं बीजेपी के। ये दोनों क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं इस पर गौर कीजिए। सबसे पहले गौर कीजिए गजराज राणा पर। कहते हैं कि धनतेरस में चांदी के बर्तन के बजाय लोहे से बनी तलवार खरीदें क्योंकि अयोध्या पर फैसला आने वाला है। वाह गजराज जी, कितनी बेहतरीन बात कही आपने। आप एक नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, पुलिस से लेकर जांच एजेंसी सब आपके हाथ में है, फिर भी आप देश की जनता को यह सलाह दे रहे हैं, यह नसीहत दे रहे हैं कि वो चांदी के बजाय या सोने के बजाय लोहे से बने तलवार खरीदें। इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, क्या इसकी जानकारी है आपको गजराज जी? आप सूबे की जनता को यह सलाह दे रहे हैं कि वो तलवार खरीदें क्योंकि अयोध्या पर फैसला आने वाला है। और अब गौर कीजिए इन पर। बख्शी सिंह वर्क कहते हैं कि मोदी जी की निगाह सब जगह है, तुम जो भी बटन दबाओ वोट तो कमल को ही जाएगा। सुनिए, मोदी जी नजर बड़ी तेज है, बटन जिना मर्जी दबा लो निकलना फल से। अब चुनाव आयोग ने इस पर नोटिस लिया है, उन्हें नोटिस जारी किया है और उन पर कड़ी कार्रवाई की बात की है। मगर एक ऐसे देश में जहां पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर, EVMs को लेकर आम जनता में, खासकर वो लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उनमें विश्वास शून्य न के बराबर है, ऐसे में इस तरह का बयान क्या मायने है? आखिर ऐसे लोगों के मुंह पर ताले क्यों नहीं डाल दिए जाते? दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र और अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के चाटुकारिता की। लोग किस तरह से अपने इतिहास को भूल जाते हैं और उन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आमंत्रित किया, सभी को नहीं, अपने कुछ चाटुकारों को नहीं। मसलन ये महोदय विवेक जो हैं, विवेक ओबेरॉय, इन्हें नहीं आमंत्रण मिला। विवेक अग्निहोत्री, इन्हें भी आमंत्रण नहीं मिला। कितनी भक्ति करते हैं और मोदी जी ने आपने इनको नहीं बुलाया। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया और फिल्म इंडस्ट्री को कहा कि आप गांधीगिरी का संदेश जो है अपनी फिल्मों से दें। और यहां पर तमाम बड़े दिग्गज दिखाई दिए। यहां पर आप देखिए आमिर खान और शाहरुख खान दोनों सेल्फी खिंचवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। आमिर खान ने क्या कहा सुनिए। वेल, इट वाज अ रियली वंडरफुल इंटरेक्शन दैट वी हैव विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टुडे। इट वाज लवली टू हियर हिज थॉट्स एंड ही वाज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वार्म एंड वेरी डीप इन हिज इन व्हाट ही हैड टू से। मगर हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जब यही सरकार आई थी तो आपको याद होगा कि इंडियन एक्सप्रेस के एक समारोह में
आमिर खान ने अपनी पति किरण राव का हवाला देते हुए कहा था कि हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं, इस कदर असुरक्षा बढ़ गई है कि किरण राव मेरी पत्नी कहती हैं कि हमें विदेश में चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों को लेकर जो है मेरी बच्चों की सुरक्षा को लेकर मुझे चिंता है। इसका परिणाम यह हुआ था कि आमिर खान जो स्नैपडील के एम्बेसडर थे उन पर इतना दबाव बनाया गया कि स्नैपडील को अपना ब्रांड एम्बेसडर हटाना पड़ा था। इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे बीजेपी आईटी सेल थी जिसकी तस्दीक हुई थी। खुद स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने इस बात को कंफर्म किया था कि किस तरह से आमिर खान के बयान की उन्हें सजा दी गई थी। अब यही नहीं, मैं आपको 2005 के एक बयान की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो आमिर खान ने उस वक्त दी थी। जी हां, आमिर खान और कई लोगों ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की थी। क्या कहा था आमिर खान ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दरअसल सिर्फ आमिर खान ने नहीं, अन्य लोगों ने इस लेटर में क्या लिखा था। फॉर दोज हु क्लेम दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज नो रोल टू प्ले इन द गुजरात कार्नेज सिंस इट इज अ मैटर इंटरनल टू द इंडियन नेशन वी वुड लाइक टू रिमाइंड देम दैट बाय द सेम लॉजिक द एंटायर वर्ल्ड शुड हैव रिमेन्ड अ म्यूट स्पेक्टेटर as millions of Jews were imprisoned and executed in concentration camps by Nazi government. For those who claim that any insult to any elected official is an insult to the entire nation, we would like to remind them that Hitler, who is reviled even today, was also an elected official. There is nothing more insulting to the Indian nation than the pogroms that took place in Gujarat. And the fact that their main architect Sri Narendra Modi still continues to enjoy the powers and privileges of a chief minister. और ये जो लिस्ट है आपके सामने, इसमें सबसे ऊपर आमिर खान का नाम है, दूसरा आदित्य जो कि CEO हैं एक गांव टेक्नोलॉजीज के, और इसी तरह से एडमिरल रामू रामदास जैसे कई लोग इस लिस्ट में शामिल थे। तो आमिर खान साहब ने उस वक्त आपको याद होगा मोदी की तुलना हिटलर से की थी। फिर आपको याद होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के पूरे आंदोलन में शामिल हुए थे, नतीजा उनकी फिल्म फना को गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया गया था। आज ये नतमस्तक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। खैर, ये तो आमिर खान की बात हुई, अब इन पर गौर कीजिए। मोहतरमा कंगना रनावत, बकौल कंगना इस सरकार के आने से पहले तो कभी किसी ने फिल्म इंडस्ट्री का दर्द समझा ही नहीं। अरे साहब, इतनी भी चाटुकारिता मत कीजिए कि खुद मोदी जी उसका विश्वास ना कर पाए। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। दोस्तों, भारत ही शायद एक ऐसा देश हो गया है कि जब उसके नागरिकों को विदेशों में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तब उसकी सरकार उसका जश्न मनाने के बजाय उसमें किंतु परंतु करती है। आपको याद होगा जब रवीश को मैग्सेसे अवार्ड मिला था तो मोदी सरकार की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के किसी छुटभैया नेता तक ने उन्हें बधाई नहीं दी थी। अब भारत को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, अभिजीत बैनर्जी को मिला है नोबेल पुरस्कार। मगर हमारे माननीय कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल क्या कहते हैं, आप सुनिए। अभिजीत बैनर्जी जी को नोबेल प्राइज मिला है, मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन उनकी समझ के बारे में तो आप सब जानते हैं। उनकी जो थिंकिंग है वो टोटली लेफ्ट लीनिंग है। उन्होंने न्याय को समर्थन दिया था और न्याय के बारे में बड़े गुणगान गाए थे। भारत की जनता ने टोटली रिजेक्ट कर दिया उनकी सोच को। जी हां, ये पहला देश है जहां किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है मगर हमारे नेता घटिया सियासत के चलते, नफरत के चलते कहीं ना कहीं उसमें किंतु परंतु अगर मगर जोड़ते हैं। ऐसे में किस तरह का संदेश जाता है और हमारे लोकतंत्र को लेकर किस तरह का संदेश जाता है? देखिए, ऐसा सिर्फ उन देशों में होता है जहां लोकतंत्र नदारद हो, जहां पर लोकतंत्र का निजाम ना हो, जहां के जो मालिक होते हैं या जहां के जो राजा महाराजा होते हैं वो अपने नागरिकों को मिले सम्मान के बारे में इस तरह से शब्द जोड़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला राजनीतिक भी हो गया। इसमें कांग्रेस के जो नेता हैं और सांसद वायनाड से राहुल गांधी, उन्होंने क्या कहा कि डियर मिस्टर बैनर्जी, दीज बिगट्स आर ब्लाइंडेड बाय हेट्रेड एंड हैव नो आइडिया व्हाट अ प्रोफेशनल इज। यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू देम इवन इफ यू ट्राइड फॉर अ डेकेड। प्लीज बी सर्टेन दैट मिलियंस ऑफ इंडियंस आर प्राउड ऑफ योर वर्क। यानी कि नफरत के मारे लोग आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे।
और अभिजीत बैनर्जी ने क्या कहा इस पर? अभिजीत बैनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पास आती जैसे कांग्रेस ने मेरे पास आई थी तो मैं उनकी भी मदद करता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काम कर चुका हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा ताल्लुक सिर्फ कांग्रेस के साथ है। बकौल अभिजीत बैनर्जी। बहरहाल पीयूष गोयल का हम क्या कहें, ये वो शख्स हैं जिनके मुताबिक आपको याद होगा कि न्यूटन ने नहीं आइंस्टाइन ने जो है ग्रेविटी की खोज की थी। तो इनका एक और बयान इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल खड़े कर रहा है। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जो ई कॉमर्स कंपनी है मसलन अमेज़न या फ्लिपकार्ट, अगर ये सस्ते दामों में तमाम जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें चीजें बेच रहे हैं तो हम इसकी जांच करेंगे और इस पर अंकुश डालेंगे। पीयूष गोयल जी, आपके लिए मेरा एक मंत्र जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। हकीकत यह है कि अगर ई कॉमर्स साइट्स बंपर छूट दे रहे हैं तो इससे देश के अंदर मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा पैदा किए गए उत्साह से बाजार में ऊर्जा ही आएगी और कंज्यूमर को फायदा मिलेगा। और पीयूष जी, आप शायद भूल चुके होंगे कि कंज्यूमर इज किंग। जब तक कंज्यूमर खुश है आपका मार्केट भी खुश है, आपकी इकॉनमी भी खुश रहेगी। मगर इन्हें कौन समझाए। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।